Hi guys, welcome to Seduce Mentors. My name is Kevin. Now in this video, I'm gonna do some interesting stuff and I'm gonna try to tell you that is it the case ki yaar aap ek question kar lo aur aapke 5% L ban jayenge? Fine, so we're gonna find that out, right? I'm not gonna disclose that surprise right now. Achha, now why am I making this video? Number one, ye video isliye bana raha hu because this is something gonna give you motivation. Usse bhi zyada ek chota sa realistic approach aapka banna chahiye. Because bahut bari abhi filhal mock mein problem ye hai ki sir hum attempt pe attempt kare ja rahe hain. स्कोर बढ़ नहीं रहा, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं आपको यार, कैट इज ऑल एंड ऑल अबाउट स्ट्रेटजी. आप बहुत अच्छे से पढ़ो, आप बहुत ज्यादा पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है. बट अगर आप मॉक्स में और अगर आपके कैट के डी डे पे अगर आप स्ट्रेटजी यूज नहीं करते ना बेटा, तो पंगा होता है, तो फिर हमारा IQ भी हमें काम नहीं करता, राइट? तो इसलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है. एंड अगेन, इफ यू रिमेंबर यू गो फॉर एनी बैटल, डू नॉट फोकस मोर ऑन प्रेपरेशन ऑफ द बैटल. फोकस मोर ऑन योर एनिमी कि यार वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? इन द सेम वे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे कैट के लिए, राइट, वो काफी नहीं होगा. वो तो करना ही है हमें डेफिनेटली, बट हमें ये भी जानना है कि यार कैट क्या चीज है, एग्जैक्टली एग्जाम के फंडामेंटल्स क्या है. दैट इज समथिंग आई एम गोना हेल्प यू टुडे टू अंडरस्टैंड. चलो लेट्स स्टार्ट विद VRC, ठीक है? अब पहली बात, ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड है. मैंने पहले ही बोला है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है? ऐसा ही नहीं होगा, क्लोज में आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है? अब 2016-17-18 बेटा, ये मेरी LOD की बेंचमार्किंग है ना, ये LOD की बेंचमार्किंग है. तो पुराना डेटा लेके मैंने ये वाला प्रेडिक्शन करा है. कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे अरे सर 2018 का जो VRC था वो इजी था, वो डुएबल था. बिकॉज मैंने क्या करा, इजी कर दिया, सुपर इजी था, ये इजी था, फिर ये सुपर टफ था और ये टफ था. तो कुछ बच्चों ने कहा कमेंट मारे कि सर ये तो ऐसे नहीं होता, 2018 तो टफ था, इजी था, आप क्यों बोल रहे हो टफ था, 2017 भी यू नो इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था. ऐसा नहीं होता बेटा. द रीजन इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ कंपैरिजन. हमने स्कूल में पढ़ा है, राइट? एकदम बेसिक लेवल, एकदम स्कूल में पढ़ा है कि जब भी एक चीज दूसरे चीज के साथ कंपेयर करी जाती है ना, तब उसका एक जो काइंड ऑफ सेगमेंट है वो चेंज हो जाता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2018 टफ था, समझ रहे हो? बट ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूं भाई, मेरे ये डुएबल था. आई एम नॉट यू नो डिसएग्रीइंग ऑन दैट. बट व्हेन आई कंपेयर 2018 विद 2017, 18 वाज लिटिल बिट टफ. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 18 एंड 17 वाज इजी, 17 वाज सुपर इजी. किस किस जिस बच्चे ने 2017 और 2018 और 19 दिया वो बोलेगा सर 2017 तो सुपर इजी था, आपने सिर्फ इजी क्यों बोला. पर बेटा जब 2017 का कंपैरिजन 2016 से करेगा, तब तुझे लगेगा कि 2016 बहुत ज्यादा इजी था 2017 से. तो थोड़ा स्कूल लेवल है यार, थोड़ा ये चीजें समझो. हाँ, बहुत बेसिक लेवल है, राइट? तो रूल ऑफ कंपैरिजन, जैसे अगर यार ये एरोज है यहाँ पे, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ा एरो, दिस इज द टॉलेस्ट वन. व्हाई? बिकॉज मैं इसका कंपैरिजन तीनों के साथ कर रहा हूँ. अगर ये तीनों को मैं इग्नोर कर दूं तो मैं स्टैंड अलोन बोल सकता हूँ क्या, दिस इज द टॉलेस्ट वन? नो, वी डोंट नो. जब तक कंपैरिजन नहीं होता किसी का, तब तक बात ही नहीं कर पाएंगे, राइट? चलो फंडामेंटल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. पहले नाउ ये आपका प्रेडिक्टेड कट ऑफ है. 30 क्वेश्चन आएंगे, 24 आएंगे, 20 आएंगे, 22 आएंगे. कुछ नहीं करना है, ये बॉटम देखना है बस आपको. आपको बस ये बॉटम देखना है, SC से लेके 85, 80 से लेके 85 की जो आपकी जंप है बेटा, वो एक क्वेश्चन से है. जस्ट वन क्वेश्चन, तेरा एक क्वेश्चन से ही आया बेटा, तेरे 5% की जंप हो रही है. और ये सब सुन सकते हैं, ये 95 वाला भी देख सकता है, 98-99% भी इसको फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जब आपकी रेस चालू होती है, जब आपका डी डे पे आपका पेपर चालू होता है, नोबडी स्टार्ट एट दिस लेवल. यू हैव टू गो लाइक दिस ना, स्टेप बाय स्टेप, देन यू गो टू द एंड. यू हैव टू बिगिन एंड देन रीच टू द एंड. सो द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गेट करेक्ट, बेटर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कैट. समझा? कुछ चीजें ध्यान से सुन लेना. 9 से 10, 8 से 9, 4 से 5, 5 से 6, वन सिंगल क्वेश्चन, करेक्ट? लाइक शॉर्टेड. थोड़ा आगे चलेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा. अब देखो ये वाला ब्रैकेट, अब इधर क्या हो रहा है, 10 से 12 +2, 9 से 11 +2, +1 +1, समझा? +1 +1. अब और एक देखते हैं, चलो ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है? देखो +3 12 13 14 15, ठीक है? +2 +1 +2 आया यहां पे. ये रीजन क्या है इसका, ये ऐसा क्यों हुआ कि सर जब जंप करी तब +1 से जंप करी? हाँ,
अब देखो सर यहाँ पे ये प्लस टू गया, ये प्लस टू गया, ये प्लस वन और ये प्लस वन क्यों रहा? बेटा ध्यान से सुनना ये जो मैं कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ये कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू। ये मैंने मेरे सीटूसी के बच्चों के साथ शेयर करा है, आज मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चीज याद रखना, ये जो तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें ना आप एलओडी ऐड कर दो, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। अगर आप पुराना पैटर्न देखोगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा, मैं कोई भी चीज यार ऐसे हवा में नहीं कहता, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ राइट। तो एनालिसिस बाय गॉड सीरीज इज प्रेटी स्ट्रॉन्ग। 34 क्वेश्चन। हाँ, ये वीएआरसी हो गया, ये तेरा डीएलआर हो गया, और ये तेरा वर्बल सॉरी ये तेरा क्वांट्स हो गया। तुम ये देखोगे कि यहाँ पे 75 से लेके 77% पे तेरा 99 आता है राइट, यहाँ पे राउंड अबाउट 60% पे 99 आता है, यहाँ पे बेटा 45 से लेके 48% पे तेरा 99 आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो कम है, ये पहली बात। प्लस एलओडी भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, देख फंडा क्या है भाई मेरे, इधर देख 22 क्वेश्चन था, इधर 30 क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अब मैं एडिट नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन से चल रहा है, बट यहाँ पे जब मैं जंप मारूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो बेटा ये जंप 2 क्वेश्चन का होगा, समझ रहे मेरी बात? आगे चलेंगे तो ये जंप नंबर 3 3 क्वेश्चन का आएगा। तो बेटा तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि तुम्हारा पेपर में क्या आने वाला है राइट। डीडी पे हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो +1 +1, अब तुम देखोगे इन दोनों के बीच में, इधर +1 आया, इधर +2 आया, इधर +1 आया, इधर +2 आया, क्यों? बिकॉज इसका नंबर इससे ज्यादा है, 22 इज मोर देन 20 राइट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब आप पेपर चालू करते हो ना, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो, आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और भाई मेरा एलओडी क्या है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और एलओडी भी अच्छा खासा है, टफ अगर पेपर है तो याद रख, हर एक क्वेश्चन सही करेगा ना तो बॉटम लेवल से 80 परसेंटाइल से जब भी तो आगे बढ़ेगा, हर एक क्वेश्चन तेरे को कम से कम 5 परसेंटाइल देगा, कम से कम 5 परसेंटाइल देगा। चलो 66 के बारे में बात करते हैं। 66 तीन सेक्शन, 22 ईच, क्या हो रहा है? +1 +1 +2 किधर आया? 95 के लिए बेटा तो +2 आया राइट, 9 10 11 12 +3, तो 98 पे जब तक तो पहुंचेगा तब तो +3 आएगा। अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको हटा दो, इसको दिमाग में भी मत रखना, बिकॉज यहां से चीजें गड़बड़ हो जाती है। यहां पे तुम्हारा अटेम्प्ट वर्सेस परसेंटाइल ऑलवेज चेंज हो जाता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपर एंड हाउ इज ही परफॉर्मिंग एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेट फॉर द एग्जाम। स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में मैं ऑलवेज बात करता हूँ, विच इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा। तो वो चीज ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। ये मैंने यहाँ पे आपको वीआरसी के लिए प्रूफ करके दिया। चलो थोड़ा अग्गे चलते हैं, क्या हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे सेम चीज है अपना, 30 22 24 20, +1 +1 +1 +1 राइट, +2 +1 +1 +1, क्यों हुआ यहाँ पे? पिछले वाले में दोनों जगह प्लस टू था, बिकॉज यहाँ पे एलओडी भी ज्यादा था, मतलब थोड़ा पेपर टफ था। ये पुराने से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो गाइस आपको ये देखना है कि एक सिंगल क्वेश्चन कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर एंटायर रिजल्ट ऑफ कैट। I get my point, right? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कि हाँ सर समझ रहा है। अब देखो 80 से बच्चा 11 तक, 80 से 90 तक चलना है, 9 10 11, तीन क्वेश्चन की आपको दरकार है, तीन क्वेश्चन की जरूरत है। यू ओनली नीड 3 bloody good question टू गेट टू 90% टाइम इफ इट्स 30 क्वेश्चन। नाउ आप थोड़ा सा कुछ रिकैप कर पा रहे हो, थोड़ा सा कुछ समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा था, 30 आएगा तो पेपर इजी आएगा, मतलब बेटा एलओडी घट गया, एलओडी जैसे घट गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया, समझ रहे? थोड़ा चमक रहा है, मैं बहुत बड़ी बोला हूं आपको राइट। अब जरा आ जाओ, मैंने कहा है 20 क्वेश्चन आएगा तो टफ आएगा। तो देख बेटा 20 क्वेश्चन के लिए 90 पे तू 4 क्वेश्चन पे 80 और +2 पे तू 90, क्यों बेटा? 20 क्वेश्चन है, एलओडी थोड़ा ज्यादा आएगा। बट सर आप कैसे बोल सकते हो कि 20 क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन इजी भी दे हो सकते हैं? माना मैंने ये, बट टाइमर का भी तो ध्यान रख, यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइमर भी तो अपने को देखना पड़ेगा, एंड मोस्टली 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो बेटा पर क्वेश्चन तेरे को ज्यादा मिलेगा टाइम, तो ये एलओडी तो थोड़ा बढ़ा के ही देंगे, देयर इज नो डाउट। अगर हम बात करेंगे 7, व्हिच इज 95% है, खाली 3 क्वेश्चन की दरकार है, बिकॉज इसका एलओडी टफ होने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर मुझे 13 तक चलना है इजी लेवल पे सिनेरियो में, +5 +3 20 पे 7 7 क्वेश्चंस,
तुम्हारा 30 पे, तेरा क्वेश्चन फॉर 95. जस्ट इमेजिन इफ यू जस्ट गो अहेड विथ वन लेवल अप या फिर वन क्वेश्चन करेक्ट. इफ यू जस्ट फोकस ऑन गेटिंग दैट प्लस वन क्वेश्चन करेक्ट, अवॉइड माइनस वन इज इक्वल टू प्लस फोर. ये फंडा है, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिख रहा हूं. राइट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये भी आपका हो गया क्वांट्स का. आप देख सकते हो, अब थोड़ा पुराना डेटा देखते हैं. अब ये पुराना डेटा है, राइट. अब आपको मैंने यहां पे बताया था कि देखो 30 क्वेश्चन होंगे, हाँ, तो थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगेगा. अब पुराना डेटा पे चलते हैं, चलो 32 पे चलते हैं. 32 पे अगर आप देखोगे, 2017 DRR सबसे टफ था, 21 से लेके 24 एग्जैक्टली प्लस वन बेटा. 2018 थोड़ा इजी था, 22 से लेके 25 एग्जैक्टली प्लस वन. 2019 का DLR दोनों ईयर से इजी था, तो यहाँ पे प्लस फोर हो गया. मतलब एक क्वेश्चन की जरूरत है यहाँ पे. यू गेटिंग माय पॉइंट? 25 26 27 राउंड अबाउट 3, लेट्स से प्लस 3. तो ये भी फंडा यहाँ पे सेम ही बैठा, प्लस वन क्वेश्चन. राइट, आगे चलेंगे, ये मैं 80 के ऊपर बात कर रहा हूं. अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस फोर. राइट, यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस फोर. यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 प्लस 5. मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं. आई गेटिंग माई पॉइंट? राइट, आई होप यू विद मी. राइट, तो यहां पे अगर प्लस फोर प्लस फोर मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 32 है, मतलब वन क्वेश्चन, मतलब वन क्वेश्चन. आगे देख, प्लस 5, राइट, 8 5 13, तो राइट राउंड 33. राइट, यहां पे देख, प्लस 6. राइट, यहां पे प्लस 6. राइट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहां पे कितने क्वेश्चन की आपको जरूरत है? 2 क्वेश्चन की आपको जरूरत है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द कैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है, राइट, आप जो क्वेश्चन गलत करते हो वो आपको कितना तकलीफ देता है. तेरा एक सही क्वेश्चन कैन टेक यू प्लस 5% एंड तेरा एक गलत क्वेश्चन कैन टेक यू डाउन बाय 7.5 to 8%. जो मेरे 2019 के बच्चे हैं, जो 2018 की कैट देके आए हैं, 2019 की कैट दिए, दे कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. फाइन, अब यहां पे देखो, ये पेपर सबसे टफ था 2019 का, VRC सबसे टफ था. प्लस फोर मतलब प्लस वन क्वेश्चन करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 34 है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 34 है ना. इसलिए वो टफ होने के बाद भी हमें 4 मार्क्स का रिक्वायरमेंट लगा. राइट, अब यहाँ पे देखो प्लस 5 है. राइट, यहाँ पे देखो प्लस 4 है. राइट, अगर हम यहाँ पे देखते, ये तो बहुत ही ईजी था, प्लस 5 है. सो दिस इज द वे थिंग्स विल मूव अहेड गाइस. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट प्लस वन क्वेश्चन ऑफ योर्स कैन एक्चुअली फेच यू एन अमेजिंग नंबर. तो आज के बाद आप जब भी पढ़ाई करोगे, आपको ध्यान रखना है प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, रादर देन सीधा मैं 4 क्वेश्चन करेक्ट करूंगा 8 के बाद. नहीं, ऐसा नहीं करना है. मैं सीधा 10 के बाद 5 क्वेश्चन करेक्ट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है. वन लेवल अप, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक एक करके आप आगे बढ़ो, आपका पेपर अच्छा जाएगा. एंड यू नो व्हाट, यहां भी आपको अगर आप सोचते हो, मान लो अगर कोई मेरा बच्चा है जो, लेट से अगर मान लो तुम्हारा यार, लेट से 24 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन का टारगेट रखना 80% के लिए. राइट, जब तेरा ये खत्म हो जाएगा ना, तब बस तू प्लस वन प्लस वन के पीछे भाग. जस्ट प्लस वन, जस्ट प्लस वन. अब 24 में से 8 क्वेश्चन तूने कर लिए, तेरे पास 16 है. अब तेरे को 16 में से एक क्वेश्चन ढूंढना है जो तू कर सकता है, फिर वो होने के बाद और एक क्वेश्चन ढूंढना है. लाइफ इज इजी. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वन क्वेश्चन कैन एक्चुअली टेक यू 5% अप, मतलब 3 मार्क्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पुराना वाला जो डेटा है 17, 18, 19, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, 34 थे, 32 थे. वहां पे कभी कभी प्लस 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, कभी कभी प्लस 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी टू गेट दैट 1%. तो यह फायदा भी आपको कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो आपके रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर सर्टन परसेंटाइल विल ऑल्सो गेट रिड्यूस. अगेन गाइज, ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं ऐसा ही होगा, छोटा सा प्रेडिक्शन है, थोड़ा समझो इसको, ध्यान में रखो. नंबर चेंज हो सकते हैं, मार्क्स चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना टॉपर आता है, बिकॉज परसेंटाइल ना टॉपर के साथ कंपैरिजन होगा, इट्स नॉट परसेंटेज गेम. राइट, कितने बच्चे बैठते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट फंडा तो सेम ही है ना. प्लस वन प्लस वन प्लस वन चलना है आपको. राइट, आपको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में नहीं चलना है, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव पे ध्यान देना है. आई होप ये हेल्प किया आपको गाइस. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. दिस इज अ ब्यूटीफुल टूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यस, वन क्वेश्चन कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इंपैक्ट. प्लस वन कैन क्रिएट एक्स इंपैक्ट, प्लस टू कैन क्रिएट 2x इंपैक्ट. Only if you get it correct, guys. I hope this is clear.
So that's it from my side, guys. As I promised you, I will be uploading a lot of strategy videos on my channel. So if not subscribed, kindly subscribe. Aur yaar, like kar dena is video ko, so that maximum people can take benefit. And you can get all the important videos from my channel in your feed. So like karna is actually a good thing. And again, happy Diwali in advance. So guys, take care of yourself. Have fun. Keep learning. Hustle. Mehnat karo. Hustle. Thank you guys. Bye-bye.